हेलो व्यूवर्स वेलकम टू आई चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज़ है उनका एग्जामिनेशन ये कैसे कंडक्ट करने जा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो एडमिट कार्ड्स है जो हमारा रोल नंबर स्लिप है उस पर ये लिखा आया है स्कुल कोर्सेज से रिकॉर्डेड कि कंटेक्ट कॉलेज इमीजिएटली तो उसका क्या सलूशन है और उसका क्या प्रोसीजर है वो एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होने वाले हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे इट्स नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑफ ऑल द कंसर्न दैट पर्सवेंट टू द द कमेटी विद अकेडमी काउंसिल द एग्जामिनेशन फॉर स्किल इन्हांसमेंट बी हैंस फॉरवर्ड ऑनवर्ड्स भी कंडक्ट बाय फॉलोइंग मैकानिज्म तो इन्होंने अकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई है यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो भी सिकल कोर्सेज के एग्जाम्स होंगे वो uh, वो यूनिवर्स जो वो कॉलेज कंडक्ट करेंगे और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के जो एग्जामिनेशन होंगे दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसमें एक थेरी कंपोनेंट और एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है अब ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो दोनों एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे ईच स्किल एनहांसमेंट वोकेशनल कोर्स शल बी ए फोर क्रेडिट्स कंप्राइजिंग ऑफ टू क्रेडिट्स लेक्चर बेस्ड ऑन थेरी कंपोनेंट एंड अ टू क्रेडिट एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल कंपोनेंट

तो दोनों के पंद्रह पंद्रह मार्क्स है तो थर्टी मार्क्स है तो उनको दोनों एग्जाम्स कंडक्ट करने हैं कॉलेज को और वही अपलोड करना है उस बाद में यूनिवर्सिटी पोर्टल पे फॉर दिस पर्पज नेसेसरी चेंजेस वेर एवर रिक्वायर्ड शेल बी इन द कार्पोरेट इन दॉफ्टवेयर विदिवर्सिटी आई टी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज बी प्रोवाइडेड विद रिक्वायर्ड यूजर आई डी एंड पासवर्ड टू फैसिलिटेट द प्रोसेस अभी कॉलेजेस कैसे करेंगे ये एग्जामिनेशन उनको यूनिवर्सिटी uh, जो है ऑलरेडी यूजर आई और पासवर्ड वगैरह देते हैं तो इसकी हेल्प से वो यूनिवर्सिटी uh, वेबसाइट uh, पर एवॉस uh, अपलोड कर सकते हैं इवेल्यूशन ऑफ स्किल इन्हांसमेंट एंड वोकेशनल कोर्सेज शेल बी डन बाय द रेस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड एवार्ड शेल बी फॉरवर्डेड टू द कंट्रोलर एग्जामिनेशन फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तो उनको uh, एक तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं उसके बाद अवार्ड्स बनाने हैं Uh, जो भी एग्जामिनर्स होंगे तो उसके बाद उनको वो अवार्ड्स सबमिट uh, करने कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन द कॉलेज शेल सबमिट द पैनल ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स फॉर ईच स्किल स्किलहानसमेंट वोकेशनल कोर्स विच शेल इंक्लूड द एक्सटर्नल एंड लोकल एक्सपर्ट्स इन दियर स्पेसिफिक फील्ड्स टू द यूनिवर्सिटी फॉर अप्रूवल ऑफ कंपिटिव अथॉरिटी अब कॉलेज को क्या करना है कि एक बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स उनको बनानी है जिसमें दो तरह के जो है एक्सपर्ट्स रहेंगे एक एक्सटर्नल और दूसरे जो है लोकल एक्सपर्ट्स रहेंगे उसमें तो वो उस उनको सबमिट करना यूनिवर्सिटी को फॉर अप्रूवल तो द स्टूडेंट्स को क्या करना है कि जो ऑलरेडी वो फ़ी सबमिट करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी तो दे शेल हैव टू डिपॉजिट रुपीज़ टू आउट ऑफ प्रेसक्राइवेट एग्जामिनेशन फी ऑफ टू फॉर दर्स इन द कंसर्ट कॉलेज टू मीट द एक्सपेंसिस ऑन अकाउंट ऑफ कंड एवेलुएशन एंड स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स अब इस ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने के लिए जो है इसको एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है एवेलुएशन करनी है और जो स्टेशनरी रिक्वायरमेंट उसके लिए है फ़ी जो है टू हंड्रेड है एंड द रिमेनिंग फिफ्टी शेल बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन फी अदर सब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्सिटी चेस्ट तो उनको जो है ऑलरेडी उनगजामिनेशन फ़ी जो है ऑलरेडी uh, सबमिट जो किया है तो या जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी uh, जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं तो उसी के साथ जो है ये कंपोनेंट भी है हावेर द फी स्ट्रक्चर फॉर स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज शल रिवाइज एज एंड वेन देर इज़ ए चेंज इन दरऑल एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर तो कहीं पे भी कहीं लगे उनको यूनिवर्सिटी को कि रिवाइज़ करना है फ़ीस स्ट्रक्चर तो वो कर सकते हैं ये वाली नोटिफिकेशन जो है जो मैं आपके साथ जिसके बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ ये अप्रैल में इसी साल अप्रैल में जो है इशू हुई है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से बट क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि uh, हमारे जो स्किल कोर्सेज हैं इनका एग्जामिनेशन कैसे होने जा रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो तो लास्ट वाला पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू एन एस क्यू एफ नॉन एन एस क्यू एफ बेस्ड स्किल इन्हांसमेंट वोकेशनल कोर्स इन द कॉलेज इन एडिशन टू द अदर रिक्वायरमेंट शेल ऑबटेन सबमिट एफिलेशन फ्राम यूनिवर्सिटी डी सी डी सी एंड एन ओ सी फ्राम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ड्राफ्ट सिलेबस फॉर द कोर्स इन टू क्रेडिट थेरी एंड टू क्रेडिट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल फॉर्मेट एंड द प्रोपोजल प्रपोज्ड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एग्जामिनर्स तो क्या करना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कोई भी न्यू कोर्स या सिगल कोर्स स्टार्ट करने से पहले करना है कॉलेज को दे हैव टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है एपलेशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एन ओ सी दैट इज नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्राम दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेलेबस होना चाहिए उस चीज़ के लिए उस स्किल uh, कोर्सेज के लिए और जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कॉलेज बना रहे हैं तो वो सब चीज़ें लेके उनको यूनिवर्सिटी को uh, से जो है अप्रूवल लाना है तब जाके वो पर्टिकुलर स्किल कोर्स स्टार्ट हो सकता है सो आई होप कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसको आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब करिए तो दैट्स अप टू यू सो थैंक यू वेरी मच